हेलो स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रॉम विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भुना। वेलकम इन डे 3 ऑफ क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। वी हैव डिस्कस्ड टू टॉपिक ऑफ दिस लेसन, वूल एंड वूल प्रोडक्शन। एंड सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस टूडे एट द एंड ऑफ द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सिल्क। सिल्क क्या है? एक एनिमल फाइबर है जिसका यूज गुड क्वालिटी ऑफ क्लॉथ बनाने के लिए किया जाता है। और हमें सिल्क फाइबर कहाँ से मिलते हैं? एक इंसेक्ट से मिलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म। जो सिल्क फाइबर है वो सॉफ्ट होते हैं और शाइनी होते हैं। वूल की तरह सिल्क भी क्या करते हैं? हीट को ट्रैप कर लेते हैं बॉडी में, और इन्हें भी क्या है? विंटर में पहना जाता है। अब हम ये समझते हैं कि सिल्क को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। अभी हमने देखा कि किससे प्राप्त किया जाता है सिल्क को? इंसेक्ट से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म। देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ की, जो सिल्क मॉथ है उनकी लाइफ साइकिल कैसी है? द सिल्क मॉथ गोज थ्रू सेवरल ट्रांसफॉर्मेशन अंटिल इट फाइनली अमर्ज एज एन एडल्ट मॉथ। देखिए, जो सिल्क मॉथ है उसके अंदर बहुत सारे साइकिल चलते रहते हैं जब तक वो एक एडल्ट मॉथ नहीं बन जाता। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मींस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। देर आर फोर मेन स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ। जो सिल्क मॉथ है उसके लाइफ साइकिल के फोर मेन स्टेज हैं। सबसे पहले क्या होगा? एगले, फिर लार्वा बनेगा, फिर लार्वा से प्यूपा बनेगा, एंड लास्ट में क्या बनेगा? एडल्ट मॉथ। देखिए, दिस इज द एडल्ट सिल्क मॉथ। ये क्या करते हैं? एग ले करेंगे। किस पे करेंगे? ये मलबरी लीव्स पे एग को ले करेंगे। उसके बाद जो इनका लार्वा होगा वो क्या होगा? एग से बाहर हैच हो जाएगा। फिर जो लार्वा है वो कोकून के अंदर प्यूपा में चेंज हो जाएगा। उसके बाद प्यूपा से एडल्ट सिल्क मॉथ बन जाएगा। तो फिर से ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। नाउ वी स्टार्ट सिल्क प्रोडक्शन। देखिए, सिल्क प्रोडक्शन, तो सिल्क प्रोडक्शन मतलब सिल्क का पैदा होना, सिल्क का प्रोड्यूस होना। किस तरह से सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है? रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। अभी हमने पढ़ा कि सिल्क किससे प्रोड्यूस होती है? सिल्क वर्म से। तो सिल्क वर्म से अगर हमने सिल्क को ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हमें सिल्क वर्म की रियरिंग करनी पड़ेगी। तो सिल्क वर्म की रियरिंग का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे? सेरिकल्चर। देखिए, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, मींस कमर्शियल प्रोडक्शन पर अगर हम सिल्क को ऑब्टेन करना चाहते हैं और उसके लिए हम सिल्क वर्म की रियरिंग कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? सेरिकल्चर। लेट अस लुक एट द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन द सेरिकल्चर। अब हम ये देखते हैं कि सेरिकल्चर में, मींस सिल्क वर्म को पालने के लिए या रियर करने के लिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हेल्दी सिल्क मॉथ को सिलेक्ट कर लेते हैं गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए। फिर मलबरी लीव्स आर प्रिपेयर्ड इन वाइड ट्रेज। बड़ी बड़ी ट्रेज होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं? मलबरी लीव्स को प्लेस कर देते हैं, जिसपे फीमेल सिल्क मॉथ क्या करेंगे? एग ले करेंगे। उसके बाद एग की क्या होगी? हैचिंग होगी। वो कब होती है? ड्यूरिंग स्प्रिंग, और स्प्रिंग सीजन में होगी। और इसमें क्या लगेगा? 2 वीक्स लगेंगे। मींस एग को हैच होने के लिए कितना टाइम चाहिए? 2 वीक। फिर क्या होगा? आफ्टर हैचिंग जो लार्वा है वो कम्स आउट ऑफ द कोकून, मतलब कि जो उनकी बाहर का पार्ट है उससे बाहर आएगा लार्वा। तो लार्वा क्या करेगा? फिर ग्रो करेगा, फीड करेगा मलबरी लीव्स पर जो हमने ट्रे में प्लेस किए हैं। एट द एंड ऑफ द फीडिंग लार्वा बिकम्स मैच्योर, मतलब कि जब फीडिंग के एंड में जो लार्वा है वो मैच्योर हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और जो कैटरपिलर है वो अपने अराउंड कोकून को स्पिन करना स्टार्ट कर देंगे।
जो कैटरपिलर है उसमें टू ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उसके हेड में, जो क्या करेंगी, सीक्रेट करेंगी फाइबर या फिर फिलामेंट। जो फिलामेंट है वो हार्ड होता रहेगा और सिल्क फाइबर में एक्सपोज हो जाएगा। और स्पिनिंग ऑफ कोकून है वो 1 वीक तक चलती रहेगी, मीन्स 1 वीक तक कैटरपिलर अपने अराउंड कोकून को प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो जब तक कैटरपिलर कोकून के अंदर पूरी तरह से हाइड नहीं हो जाता, तब तक स्पिनिंग जो है चलती रहेगी। और जो कैटरपिलर है वो एट लास्ट क्या हो जाएगा, अडल्ट स्टेज में चेंज हो जाएगा और अपने आप को पूरा कोकून से हाइड कर लेगा। कोकून आर हार्वेस्टेड वेल बिफोर द अडल्ट मॉथ हैच फ्रॉम इट, मीन्स कि जब एडल्ट मॉथ हैच होंगे तो उससे पहले क्या किया जाता है, कोकून को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। दे आर देन पुट इन बॉइलिंग वाटर, उसके बाद उन्हें बॉइलिंग वाटर में रखा जाता है, जिससे जो कोकून है वो अलग हो जाएगा और सिल्क फाइबर है वो लूज हो जाएंगे। जो अंदर का कैटरपिलर है वो किल हो जाएगा हीट की वजह से, और फाइबर कोकून से अलग कर लिए जाएंगे और उन्हें क्या है, टुगेदरली स्पिन कर लिया जाएगा या ट्विस्ट कर लिया जाएगा और वाउंड ऑन ए रील, और एक रील पर वाउंड कर लिया जाएगा। द थ्रेड आर देन डाइड एंड वोवन टू मेक द सिल्क फाइबर, जो फाइबर हमें ऑप्टेन होगा या जो रील हमें ऑप्टेन होगी उसके बाद उन्हें डाई कर लिया जाएगा और फिर उनसे क्या प्रिपेयर कर लिए जाएंगे, सिल्क फाइबर। अब हम कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं सिल्क की प्रोडक्शन का। देखिए प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन, सबसे पहले क्या है ये कैटरपिलर, उसके बाद ये क्या करेगा, एग को ले करेगा मलबरी लीव्स पर। उसके बाद क्या होगा, एट द एंड ऑफ द फीडिंग ये मलबरी लीव्स को अपना फूड के रूप में यूज करेगा। जब फीडिंग की एंड हो जाएगी उसके बाद लार्वा अपने या फिर लार्वा अपने चारों ओर कोकून को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ये क्या है, 1 वीक तक चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में डालकर इसे फाइबर को लूज कर लेंगे और इसके अंदर का जो प्यूपा है वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद हमने हॉट वाटर में से निकाल लिया, जो फाइबर है इसके कोकून के अराउंड वो लूज हो गए और फिर हमने क्या किया, फाइबर को एक रील में वाउंड कर लिया। फिर उसके बाद इन फाइबर को ट्विस्ट किया जाएगा और इससे थ्रेड बना लिए जाएंगे, यार्न बना लिए जाएंगे, फिर उन यार्न से सिल्क फैब्रिक बना लिया जाएगा। तो ये क्या है, सिल्क प्रोडक्शन के प्रोसेस। सबसे पहले क्या किया था, हेल्थी सिल्क मॉथ को सिलेक्ट किया एग ले करने के लिए। फिर वो एग जो ले किए थे वो कहाँ पर प्लेस हुए, मलबरी लीव्स पर, जो क्या है इनका फूड है। तो ये पूरा प्रोसेस है सिल्क प्रोडक्शन का। देखिए डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ गिव अस डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क, मतलब कि अलग अलग टाइप के जो सिल्क मॉथ हैं वो हमें अलग अलग टाइप की सिल्क देंगे, जैसे टूसार, मोगा एंड कोसा कुछ कॉमन वेराइटी हैं सिल्क की। नाउअडेज आर्टिफिशियल सिल्क एंड वूल आर ऑल्सो सोल्ड इन नेम ऑफ सिल्क, आजकल क्या है आर्टिफिशियल सिल्क और वूल को भी क्या है, सिल्क के नाम पर सेल किया जाता है। हम क्या है इजिली फाउंड कर सकते हैं कि फाइबर जो है वो नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल बाय सिंपली बर्निंग ए पीस ऑफ थ्रेड, अगर हम उसका एक धागा जलाएं तो उस धागे को जलाने से हम नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्योर सिल्क और वूल विल बर्न विद द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, जो प्योर सिल्क है वो कैसे जलेगी, जैसे बर्निंग हेयर जलते हैं या फिर जो स्मेल बर्निंग हेयर की होती है वैसे प्योर सिल्क और वूल को जलाने की स्मेल होगी। अब देखिए हेल्थ हैजार्ड इन सेरिकल्चर, मीन्स जब सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है तो सिल्क को प्रोड्यूस करते टाइम जो वहां की लेबर है उसमें कौन कौन सी हेल्थ की प्रॉब्लम या फिर कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। देर आर मैनी हेल्थ हजार्ड एसोसिएट विद द सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी हेल्थ हजार्ड हैं जो हो सकती हैं। कुछ दी हुई हैं उसमें से, वर्कर हैंडलिंग डेड वॉर्म्स विद बेयर हैंड्स, देखिए जो वर्कर हैं वो डेड वॉर्म्स को बेयर हैंड से क्या करेंगे, मतलब रिमूव करेंगे, तो जिससे क्या है उन्हें बहुत अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं।
वो डिपिंग बेयर हैंड इनटू हॉट वाटर, वो क्या करेंगे बेयर हैंड को हॉट वाटर में डिप करेंगे सिल्क थ्रेड को निकालने के लिए या चेक करने के लिए, तो उससे क्या है उनके हाथ पर ब्लिस्टर, छाले और वाउंड्स हो सकते हैं। दीज वाउंड इट लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर ये अनट्रीटेड रहे तो ये क्या है ज्यादा इन्फेक्शन बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, वर्कर हैव टू स्टैंड फॉर, देखिए इस प्रोसेस के लिए वर्कर को बहुत टाइम के लिए खड़े रहना पड़ सकता है या उसको रीलिंग करने के लिए, तो उससे क्या होगा जो वर्कर्स हैं उनके बैक एक मतलब बैक पेन हो जाएगा या स्पाइन में उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए कॉन्स्टेंटली फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड थ्रू आईलेट्स इन ऑर्डर टू रील द फाइबर, देखिए फाइबर को रील करने के लिए जो वर्कर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली देखते रहेंगे, तो उससे क्या होगा आईज पर स्ट्रेन पड़ेगा तो आई में डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, देयर इज पुअर एयर सर्कुलेशन इन सिल्क फैक्ट्रीज, जो सिल्क की फैक्ट्रीज हैं वहां पर पुअर एयर सर्कुलेशन होगा जिसकी वजह से जो कोकून को बॉयल करते हैं उसके फ्यूम्स जाएंगे ब्रीदिंग के टाइम, तो ब्रीदिंग के टाइम अगर फ्यूम्स अंदर जाएंगे तो क्या होगा अस्थमा, ब्रोंचाइट एंड अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये कुछ डिसीज है जो सिल्क प्रोडक्शन के टाइम वर्कर को हो सकती है। नाउ वी डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। सबसे पहले है चूज द करेक्ट ऑप्शन, दिस एनिमल डज नॉट गिव वूल, जिससे हमें वूल नहीं मिलती। देखिए गोट से भी मिलती है हमें वूल, शिप से भी मिलती है, कैमल से भी मिलती है, तो काउ से हमें वूल नहीं मिलती। दिस इज टू हम्प्ड कैमल फाउंड इन साइबेरिया, तो क्या है बैक्ट्रियन। नेक्स्ट है शियरिंग यूजली अकर्स इन, शियरिंग कब की जाती है समर में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म ऑल्सो कॉल्ड, लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म को हम क्या बोलते हैं कैटरपिलर। अ कॉमन हेल्थ हजार्ड्स इन वूल प्रोडक्शन, वूल प्रोडक्शन में कौन सी हेल्थ हजार्ड हो सकती है एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, डैश वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट, तो एंगोरा गोट से कौन सी वूल ऑब्टेन होती है मोहेर। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग वूल इज कॉल्ड ग्रेडिंग, द वूल इज पैक्ड इनटू डैश एंड सेंड टू द मिल्स बेल्स। द फोर स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोथ आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। डिफरेंट काइंड ऑफ डैश गिव अस डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क, सिल्क मोथ, टूसर, मूगा एंड कोसा आर थ्री वेराइटी ऑफ सिल्क। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैरिनो बेस्ट क्वालिटी वूल, नेक्स्ट है वूल प्राइमरली ऑब्टेन फ्रॉम शीप, कश्मीरी ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, मलबरी लीव्स फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, सेरिकल्चर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग, थ्री क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फोर्थ क्वेश्चन इज द थर्ड स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, लार्वा चेंज इनटू प्यूपा, मीन्स थर्ड स्टेज क्या है प्यूपा। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन सेरिकल्चर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स, ड्रॉ ए सिंपल डायग्राम टू शो द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वॉर्म, देखिए इसमें हमने डायग्राम जो बनाना है वो है ये डायग्राम लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वॉर्म, दिस इज द डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेरिकल्चर, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन, सेरिकल्चर क्या है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑन कमर्शियल स्केल टू ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, मीन्स सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए सिल्क मोथ को पालना, उसे हम क्या बोलते हैं सेरिकल्चर। हमने क्या करना है सिल्क को प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करना है। देखिए सेरिकल्चर की डेफिनेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं और जो प्रोसेस है सिल्क प्रोडक्शन का वो हम यहाँ से पॉइंट्स बनाकर राइट कर सकते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट, हेल्थी सिल्क मोर आर सिलेक्टेड टू ले एग, फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, ये हम लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट अ फ्यू हेल्थ हजार्ड दैट वर्कर फेस इन सेरिकल्चर। सेरिकल्चर के टाइम जो वर्कर्स को हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं उसमें से कुछ आपको बताने हैं। देखिए, वर्क डिपिंग बेयर हैंड इनटू हॉट वाटर टू चेक सिल्क थ्रेड कैन कॉज ब्लिस्टर एंड वाउंड्स, और लिख सकते हैं कि ज्यादा टाइम तक उन्हें खड़े रहना पड़ता है तो इससे जो हेल्थ इश्यू हो सकता है वो क्या है, बैकएक एंड स्पाइन प्रॉब्लम, और क्या है, ब्रीदिंग या आईज में इफेक्ट भी हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये आप राइट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर थर्ड लेसन की आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।